मैं दोवें हथजोड़ के अमृतसर तो आस्ट्रेलिया तक, आस्ट्रेलिया तो अमरीका तक, अमरीका तो आनंदपुर साहब तक चप्पे चप्पे दे बैठे समूह खालसा पंथ और गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब के नाम लियावा धियां भैन माइया वीर सिख संगत सब दोवें हथ जोड़ के फतेह बुलाना है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बलवंत सिंह रामूवालिया उन्होंने करोड़ों लोगों में अगर जो सिख दुखी है क्योंकि अकाल तख्त साहब के दूजे तख्तों के जथेदारों अपमानित किया गया। टुटिया फुटिया वजीरिया वजूरिया आदियां जाती रहा तो इन्होंने ना लैके आपदी पदवियों का डराया गया। मैं पहली बेनती करना कि शर्म होनी चाहिए है महाराजा रणजीत सिंह अकाल तख्त से पेश होने का हुक्म गया अकाली फूला सिंह जथेदार साहब का पेश होया रूल मुताबक असूल मुताबक महाराजा साहब लाहौर तो शाही ठाठ नाल घोड़े हाथी सब लेके आए पर नाल उन्हें हुक्म करता जो अमृतसर की जू आ जाए शहर की ज उस इलाके की तो यह सारा समान ला लियो। मैं एक साधारण सेवक तो श्रद्धालु सिख वजो अकाल तख्त से पेश होना वो पेश होया। जथेदार साहब ने अकाली फूला सिंह साहब ने कहा मैं तेरे कोरले मारन का हुक्म दिना है। सिखा ने कहा जी माफ कर दो कहना नहीं करना। तो रणजीत सिंह ने अपने मोढ़िया तो अपना कीमती लिबास ला के अपना मोढ़े तो कंड नंगी कर ली तो जो सच्ची मुची कोला वजन लगा सिखा ने रो के कहा सिंह साहब जी माफ़ी दे दो कहते चलो माफ़ी दिती। उन्हें कहा जी मैं तो आग्ञा मान ली है जिम्मे करना है कर लो ये अकाल तख्त साहब है। मैनू दुख है कि अज विरसा सिंह वडोहा और सरदार सुखबीर सिंह बादल तुसी की रास्ता चुन लिया कि तुसी अकाल तख्त की बेनती कर लगे नोट करो तुसी पढ़ते नहीं। एक दफा जो गुरु के बाग का मोर्चा लग्या 1000 पेंशनियां सिंह बुजुर्ग सिख सब 55 साल 60 साल के उन्होंने एक गड्डी बंद करके 8 जेल वाल भेज दिता उत्थे कैद करने अमृत जेल च अमृतसर तो 8 तो बाहर जिंदे लाते कि कोई पानी नहीं कोई टॉयलेट जाने कोई सहूलत नहीं ये धक्के खाते 3-3.5 दिन जाएंगे भुखे। उदों ये अकाल तख्त साहब है इतों हुक्म गया कि रस्ते च सिंह प्रशादा छकाया जाए तो 8 दे रस्ते जिथे 5 साहब का जी गुरद्वारा साहब आया उधर जाते हैं उदो पाकिस्तानी से बनया सिंह ने गड्डी रोकी भाई करम सिंह ते भाई प्रताप सिंह शहीदियां पा गए। जो सिखा ने कहा दवाई दे दें तो कोई लोड़ नहीं पहले भुखे सिंह प्रशादा छकाओ अकाल तख्त का हुक्म मनो। एडिया एडिया गल्ला हो जाए। मैं बेनती करना कि फिर गुरु नानक के सेवकों ने एक रिकॉर्ड आता है इतिहास में मैं पढ़न दसदी हाँ एक आर्च बिशप एंड्रयूज उहदा नाम सी जिहड़ा वैटिकन सिटी तो रोम तो दुनिया भर के ईसाइयां ने नियुक्त किया कि सिखा उत्ते जुल्म हो रहा निर्दोषे ते बेथ्यारे सिखा दीआं बीबियां दी बेपती हो रही है डांगा वर रही हैं जां देख के आओ क्यों वर रही हैं कि जे देश आजाद कराउणा है हर घर चो एक सिख बनाओ अमरधारी हिंदू ते सिख बनाओ हर घर चो सब कुछ हो जाएगा देश आजाद हो जाएगा। अज सानू दुख है कि किवें सिख विरसा सिंह वडोहा ते सुखबीर सिंह जी तुसी जे पुलसां तो सिखां दे उत्ते लाठीचार्ज करा रहे हैं धरती उत्ते धरती तो तड़ू ताड़े जिन्नी उच्ची सिखी उन्हूं रोलिया जा रहा है कि 2200 कुड़ी पकड़ के लियाए सी अबदाली जो अमृतसर के कोल दी लंघियां उन्होंने शहरा च लिया के उत्थे पांच बंदे ने शादी एक दी करनी सी एक बंदे ने पांच बीबियां चार वो जो जा रही सी उन्होंने बेनती की कि अकाल तख्त साहब नूं कहो सानू छड़ा लैन और क्यों शर्म खाइए अकाल तख्त नूं गालां कढ़न वाले हो। फिर सिखां ने वह छड़ाइया 2200 दी 2200 उत्थे भेजी ते हुण जिहड़े हरी सिंह नलूए ने जिहड़े तख्ते लाए सी सोमनाथ तो चांदी दे
उन्हें वसूल करके अफगानिस्तान चो उत्थे भेज दिते भी भेज दो सोमनाथ, पता लग्या मंदिर ही है नहीं, फिर दरबार समझ लाए एडे एडे किरदार किए। हूँ मैं थोड़ा बेन करता ज्ञानी हरप्रीत सिंह, ज्ञानी रघबीर सिंह, ज्ञानी बलदेव सिंह, ज्ञानी सुल्तान सिंह, ज्ञानी सुल्तान सिंह जी, तो ज्ञानी कुलविंदर सिंह, कुलवंत सिंह, ज्ञानी कुलवंत सिंह साड़ी कौम के हीरे हैं। इन्हों दियाँ कले कले सिख दिया सपुत्री हैं, कले कले सिख की दाढ़ी तो पग जिन्ना सत्कार है, तुम उन्होंने भी गाला कड़ती। मैं बेनती करता कि एक दे सुखबीर सिंह बादल तो बटोहा जी तुम आप पेश हो के दरबार साहब, अंग्रेजी कहें अनडू एवरी क्रिमिनल एक्ट, उत्थे माफिया मंग के अनडू करो। इन्ना इज्जत हुई कि मदन मोहन मालविया ने अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, तो सिंह संत अतर सिंह मस्तुआना जी ने उत्थे बुला के नीह पत्थर उन्होंने रखाया, धरू तारिया तो उच्चिया शाना कैम रखिया दास ने, तो तुम गाला क्ढी जाने अपन गाला वापस लो, तो सब कुछ नॉर्मल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।